नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल के अंदर। मैं हूं योगेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचपी प्रिंटर 2331 मॉडल के बारे में कि अगर आप एचपी प्रिंटर 2331 मॉडल का जो है ड्राइवर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कैसे जो है ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। ड्राइवर डाउनलोड करने का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। आप मेरे साथ वीडियो के कम्प्लीट कॉन्सेप्ट पर बने रहें और अच्छी तरीके से आप देखें किस तरीके से जो है हम डाउनलोड करेंगे ड्राइवर को। तो इसके लिए आपको टाइप करना होगा एचपी प्रिंटर 2331 ड्राइवर डाउनलोड। इसके बाद दोस्तों यहां पर हमें इस तरीके का यूजर इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। तो आप किसी भी एक साइट पर जब विजिट करेंगे तो यहां से आपका जो है ड्राइवर सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सबसे ऊपर जो फर्स्ट वाली साइड है इस साइड पर जो है क्लिक करके देखेंगे कि यहाँ से हम अपने ड्राइवर को जो है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हमने ड्राइवर को डाउनलोड करने का प्रोसेस जो है ओपन कर दिया है और यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है हमारे सामने ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये मॉडल है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये प्रिंटर का मॉडल है और यहाँ पर ये प्रिंटर का मॉडल दिया गया है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा नीचे यहाँ पर नीचे देखिए आप, यहाँ पर काफ़ी सीरीज दी गई हैं। आप किसी भी सीरीज को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद अपने यूज में ले सकते हैं। तो हम यहाँ जो नीचे वाली जो सीरीज है इसे डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से जस्ट हम डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक नया यूजर इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। और नए यूजर इंटरफेस पर जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ से जो है हम किस तरीके से जो है अपना ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट डाउनलोड के कॉलम पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा ड्राइवर जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा ड्राइवर जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा इश्यू आ रहा है, मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों हम किसी और साइट पर विजिट करते हैं और साइट पर जो है हम विजिट करके देखते हैं यहाँ से इस ड्राइवर को डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए हम किसी और साइट को देखेंगे हम यहाँ पर। दोस्तों हम इस साइट पर यहाँ विजिट करके देखते हैं कि यहाँ से जो है हम अपना ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से जो है हम अपना ड्राइवर जो है डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से जो है डाउनलोड का प्रोसेस जो है ओपन हो जाएगा। चलिए हम जस्ट इस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ आप देखिए हमारा ड्राइवर यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं और भी यहाँ सीरीज दी गई हैं। तो जस्ट हम इस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, 101 MB का जो है हमारा ड्राइवर है। और आप देख सकते हैं हमारा जो ड्राइवर है उसका जो है डाउनलोड प्रोसेस जो है ओपन हो चुका है और हम अपने ड्राइवर को इस तरीके से यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद अपने PC में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का भी प्रोसेस जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों डाउनलोड का प्रोसेस हो रहा है, आप कंप्लीट वीडियो देखें। कंप्लीट वीडियो देखेंगे, वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन को आप देखेंगे और समझेंगे तभी ये सभी चीजें आपकी समझ में आएंगी।
दोस्तों ड्राइवर जो है डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे अपने पीसी में इंस्टॉल करके देखेंगे कि हम इसे अपने पीसी में किस तरीके से जो है इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जस्ट हम इंस्टॉल के लिए अपने सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारे ड्राइवर का इंस्टॉलेशन है वो ओपन हो चुका है। इंस्टॉल होने के लिए आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। जस्ट हम यस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके का यूजर इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है एचपी प्रिंटर 2331 के मॉडल का। जस्ट हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम इसे नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है इंस्टॉल का जो है प्रोसेस ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इंस्टॉल का प्रोसेस ओपन हो चुका है। मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको वीडियो में डेमो दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे पास इस प्रिंटर का मॉडल नहीं है तो ये सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। आपके पास इस तरीके के प्रिंटर का जो है मॉडल होना ज़रूरी है तभी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल का प्रोसेस सेम रहेगा जो मैंने आपको बताया है यहाँ से आगे। और इसके अलावा अगर आप शेयर बाज़ार के चैनल पर इंटरेस्टेड हैं तो मेरा न्यू चैनल जो शेयर बाज़ार से रिलेटिव है आप शेयर बाज़ार के चैनल पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। शेयर बाज़ार में अकाउंट खोलने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप शेयर बाज़ार में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।